नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 29 अप्रैल और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप जाके डायरेक्ट वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हम लोगों से। और जैसे कि पिछले दो दिनों से आप लोगों से कहा गया था कि जो डीएनए होगा 5 से 6 के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा और 7 बजे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो व्हाट्सएप ओनली एडमिन के लिए इसमें अलाउड है, सबके लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ एडमिन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो 7 बजे सभी लोग अलाउड है उसमें, तो आप लोग आइए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अपनी गलतियों को ये नहीं है कि उसको टॉलरेट कीजिए कि आज करेंगे कल करेंगे, ये सब आजकल कभी नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग आएंगे, 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी आंसर आप लोगों को लगे अपना आंसर देने से कोशिश कीजिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या गलतियाँ हैं उस एरर्स को देखिए। और रोज़ मैं 7 बजे 7:30 7:30 7 बजे के बाद कभी मैं अपलोड उसका कर देता हूँ रिव्यू, तो रिव्यू उसके बाद देख लिया कीजिए, अपना आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और आज 29 अप्रैल एक बहुत ही दुखद घटना, एक ऐसे स्टार जिस जो कभी किसी नाम के मोहताज नहीं थे, जो हम जैसे युवाओं के दिलों में बसते हैं, इरफान खान, चंद्रकांता के बद्रीनाथ, पान सिंह तोमर, हासिल के रणविजय सिंह, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ना जाने कितने मीडियम की पिक्चर देने वाले हैं, एक धनी कलाकार हम लोग के बीच नहीं रहे। तो मैं युक्ति परिवार की तरफ से उनको भावनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। रियली मुझे बहुत आज दुखी हूँ मैं, किसी कलाकार को लेकर पहली बार इतने दुखी हूँ मैं, वरना कलाकार तो आते जाते रहते हैं, पॉलिटिशियन आते जाते रहते हैं, लेकिन इतना दुखी कभी नहीं था जितना आज मैं। मेरे बेस्ट कलाकार, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं एक्टिंग करना, उनकी आंखें ही कातिलाना थी। खैर चलिए, अब हम पढ़ाई की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। सैन्य खर्च में भारत विश्व में तीसरा स्थान, ये कई बार यूपीएससी में भी पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा है और इसके सारा डिटेल आज मैं बताऊंगा, आज पूरा मूड में हूँ मैं आज। सिप्री की रिपोर्ट है और सिप्री क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य खर्च होने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो भारत का स्थान जो है वो तीसरे स्थान पर है। सिप्री ने ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 नामक रिपोर्ट जारी की है। सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया है, ये सिप्री की रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपने सैन्य खर्च में खर्च किया है तो 38% है, यूनाइटेड स्टेट है, सेकेंड नंबर पे चाइना है 14% है, थर्ड नंबर पे इंडिया है 3.7% है और चौथे नंबर पर रशिया है 3.4% है, फिर सऊदी अरेबिया है 3.2% है, फ्रांस है 2.6% है, जर्मनी 2.6% है, यूनाइटेड किंगडम जो पूरी दुनिया में बादशाहत कायम रखते थे देख लीजिए 2.5-2.5% है इनका, जापान 2.5%, साउथ कोरिया 2.3%, ब्राज़ील 1.4%, इटली 1.4%, ऑस्ट्रेलिया 1.4%, कनाडा 1.2% एंड इजराइल 1.1%। तो आप लोगों को पूरा डिटेल नहीं देखना है, बस वैसे मैंने पूरे फिगर तो मैं हमेशा करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो आज वैसे लगा कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, तो बस 2 या 3 या 3-4 एटलीस्ट, मतलब 4-5 तक तो एटलीस्ट डेटा आप देख लीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट है, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, सऊदी अरेबिया, ये भी पूछ सकता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा कौन खर्चा करता है, ये भी पूछ सकता है पेपर में, ये तो वर्ल्ड लेवल पे है, ये भी पूछ सकता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च पे कौन खर्चा करता है, कौन सा ऐसा देश है, तो डेटा आप 4-5 का देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में भारत का कुल सैन्य खर्च 71.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वर्ष 2018 की तुलना में भारतीय सैन्य खर्च में 6.8% की वृद्धि देखी गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग।
सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में सिर्फ 5 देश निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। ना साफ क्यों नहीं आ रहा ये? संयुक्त राज्य अमेरिका है, 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चाइना है, चीन है, 261 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत है, 71.1 बिलियन डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है। रशिया रूस है, 65.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और 5 नंबर पे सऊदी अरबिया, 61.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी कि टोटल 5 देश हैं, आप देख सकते हैं, और कितना बिलियन डॉलर है ये भी पूरा डेटा आप लोग देख लीजिएगा। अगर बिलियन डॉलर नहीं देखना है तो आप सिर्फ देश का नाम देख लीजिएगा, ऊपर से टॉप टू बॉटम सारा देख लीजिएगा, कम से कम एटलीस्ट 5 का देख लीजिएगा आप लोग। या मेंस में कहीं लिखने की जरूरत पड़ जाए तो डेटा जरूरत होता है तो देख लीजिएगा आप अपने अनुसार, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 से कुल वैश्विक सैन्य खर्च में 3.8% की वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2010 के बाद अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। तो 2018 की तुलना में 2019 में 18 में और 19 में देख लीजिए 3.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब हम बात करते हैं भारत का सैन्य खर्च। सिप्री के अनुसार हाल के कुछ दशकों में भारतीय सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी देश जितना परिपक्व होता है, जितना उसकी मिलिट्री, जितना उसका सैन्य खर्च, मतलब सैन्य मतलब इम्पॉर्टेंट है देश की रक्षा के लिए, तो सैन्य के खर्च करना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उतना ही वो देश तरक्की करेगा। और जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, फिर कोई भी लड़ाई जीता जा सकता है। पिछले 30 वर्षों में यानी कि 90 से 2019 के बीच भारतीय सैन्य खर्च में 259% की वृद्धि हुई है, और 2010 और 2020 के बीच में 37% की वृद्धि देखी गई है। डेटा बस देख लीजिएगा आप लोग, 2010 से 2019 ये इंपॉर्टेंट है, 37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले एक दशक में भारत की GDP पर सैन्य खर्च का भार कम हुआ है। वर्ष 2010 में 2.7 था, जबकि 2019 में मात्र 2.4 GDP पे, मतलब GDP जो है सैन्य खर्च का भार कम हुआ है। 2019 में कितना है? 2.4 है, 2010 में है 2.7। अब हम बात करते हैं कि सिप्री आखिर जब से कर रहा हूँ, ये सिप्री है क्या? ये UPSC स्टेट पीसेस में कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, स्टेट पीसेस कोई भी पीसेस आप ले लेंगे। स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। याद रखिएगा, 65 की लड़ाई के बाद 66 में सिप्री की स्थापना हुई थी। मतलब डेटा बता रहा हूँ याद रखने के लिए कि 65 के बाद युद्ध हुआ था, उसके बाद 66 में सिप्री की स्थापना हुई थी। यह संस्था युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है, और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों के आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। यानी कि सिप्री के ये काम है। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। एक चार्ट बना के कॉपी बना के रख लीजिएगा कि किसकी राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन कई बार आ जा रहा है आजकल। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सिप्री का सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो आप लोगों ने सारा देखा कि सिप्री क्या है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है सिप्री। चलिए अगला बात करते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, आर्कटिक क्षेत्रों तथा ओजोन क्षेत्र के बारे में आज बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन की कॉपरनिक्स एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विसेज CAMS की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक के ऊपर निर्मित ओजोन छिद्र अब समाप्त हो गया है। क्या कारण है, नीचे चर्चा करेंगे। COVID-19 की वजह से दुनिया भर में किए गए लॉकडाउन से प्रदूषण में गिरावट इसका प्रमुख कारण नहीं है, बल्कि आर्कटिक के ऊपर बने ओजोन छिद्र के ठीक होने की वजह पोलर वर्टेक्स को ही माना जा रहा है। ये आर्कटिक का फिगर है, देख लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं पोलर वर्टेक्स क्या है। यह पृथ्वी के ध्रुव के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र होता है। यह ध्रुवों पर हमेशा मौजूद होता है, जो गर्मियों में कमजोर जबकि सर्दियों में प्रबल होता है। यानी कि ये जो गर्मी में क्या होता है, कमजोर होता है, और सर्दी में क्या होता है, प्रबल होता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान कई बार पोलर वर्टेक्स में विस्तार होता है,
जो जेट स्ट्रीम के साथ दक्षिण की ओर ठंडी हवा को भेजता है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। ये फिगर के माध्यम से बताया गया है, कोल्ड एंड एयर कंटेंट है, वेवी पोलर वर्टेक्स है। अब हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। कई बार स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, मतलब जितने टॉपिक मैं देता हूँ, जितने डीएनए के टॉपिक होते हैं, कहीं ना कहीं आए होते हैं, और ये हमेशा आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आएंगे, ये हमेशा पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ऐसा टॉपिक ही चूज किया जाता है। डीएनए के पीछे का ही मेन मोटो यही है कि वैसे टॉपिक्स को हम सेलेक्ट करते हैं जो अक्सर पेपर में, यूपीएससी का आप जाके प्रीवियस ईयर का पेपर खोलिएगा, या स्टेट पीसीएस का जो स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे हो, या स्टूडेंट जो नए तैयारी कर रहे हो, वो पेपर पहले जाके प्रीवियस ईयर का देखिएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल था, और सारे जो बता रहा हूँ डेटा हुआ, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो इसको गंभीरता से देखा कीजिए आप लोग। और क्वेश्चन जो दिया जाएगा आज, उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व हो चाहे ना हो, लेकिन कोशिश करना आपका काम है, ठीक है? क्योंकि आज और कल पे मत छोड़िए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ओजोन परत ऑक्सीजन के तीन परमाणु, जिसे ओ3 कहते हैं, ओजोन को वैसे भी ओ3 होता है, तो तीन परमाणु होंगे ही, से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ओजोन परत वायुमंडल में लगभग 10 से 50 किलोमीटर, ये भी वो कई बार पूछा जा चुका है छोटी परीक्षाओं में, इस मंडल को समताप मंडल भी कहते हैं, तक फैली हुई है। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत का इंपॉर्टेंस देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंस है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं, तथा पृथ्वी की सतह के नज़दीक ओजोन एक प्रदूषक का कार्य करती है, मतलब हमें बचाती हैं। इसके कारण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसे रोगों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है? तो ये फिगर के माध्यम से सर ने जैसे बताया है, ये देख सकते हैं आप लोग, जो लिखा है वही बोलूँगा। द थिंकिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज़ द मेनली ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं, यही सब बताया गया इस फिगर में। आप फिगर देख लीजिएगा आप लोग। ओजोन चित्र, समताप मंडल में ओजोन क्षेत्र की प्रबलता बेहद कम होने के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है। प्रतिवर्ष सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तीन महीने याद रख लीजिएगा, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में अंटार्कटिका के ऊपर बनने वाले ओजोन क्षेत्र के बारे में सबसे अधिक चर्चा की जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर मौसम संबंधी तथा रासायनिक गतिविधियों के कारण ओजोन परत में प्रतिवर्ष 20 से 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर छिद्र हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत गतिविधियों के कारण, मौसम संबंधी गतिविधियों के कारण तथा रासायनिक गतिविधियों के कारण ओजोन परत में प्रतिवर्ष 20 से 25 मिलियन वर्ग किलोमीटर छिद्र हो जाता है। तो ये डेटा देख लीजिएगा आप। अब हम बात करते हैं ओजोन परत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल क्या क्या है। पहला है वियना कन्वेंशन, ये जितना दे रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन पढ़िएगा आप लोग। वियना कन्वेंशन, ये वियना कन्वेंशन की आप बात करते हैं, यह 1985 में अपनाया गया और 1988 में कार्यरत हुआ। ओजोन को लेकर एक गैर बाध्यकारी प्रयास है ये। 2009 में सार्वभौमिक सत्यापन करने वाला पहला कन्वेंशन था वियना कन्वेंशन। अक्सर IR के पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, और UPSC में भी कई बार पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा ये। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आप लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, वियना इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, तो ये ऐसे टॉपिक है कि सब में काम देगा, IR हो या आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, सब में क्वेश्चन तो आना ही है, सब तो मिल के आना है। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 16 दिसंबर 1987 को अपनाया गया है, इसी कारण इस दिन को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब याद रखिएगा कि 16 दिसंबर को कौन सा डे है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह समझौता बाध्यकारी था और बाद में इसकी सार्वभौमिक पुष्टि हुई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाना लक्ष्य था, परंतु इसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग बढ़ गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए अधिक हानिकारक होता है। अब तीसरा एक सम्मेलन है, पहले क्लोरोफ्लोरो था, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। अब तीसरा जो है किगाली समझौता हुआ है 2016 में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। किगाली में ये हुआ था कि 2040 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य है 2040 तक। ये फिगर है, फिगर देख लीजिएगा आप लोग। अब तीसरा हम चलिए बात करते हैं आज बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, बोडोलैंड की बात करते हैं, क्या क्या इसमें चेंजिंगें हुई हैं। COVID-19 के कारण असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों, जिसे बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है, में राज्यपाल शासन लागू हो सकता है। क्यों लागू हो सकता है भाई, ऐसा क्या हो गया वहाँ पे?
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद जो है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC जिसे कहते हैं, का मौजूदा कार्यकाल 27 अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुका है और इसके लिए 4 अप्रैल 2020 को चुनाव होने थे, किंतु COVID-19 की महामारी के कारण इन्हें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों BTADI का संवैधानिक प्रमुख होता है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC द्वारा, जो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रशासित होता है। तो BTC क्या है, BTADI क्या है, देख लीजिएगा आप लोग। स्वायत्त जिला परिषद क्या होता है, अब ये बात करते हैं जो स्वायत्त की बात की जा रही है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में, इम्पॉर्टेंट है किस अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र शामिल हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से भिन्न हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, किस अनुसूची में, कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, जैसे कैट का पेपर होता है वैसे मैट का पेपर होता है, तो याद रख लीजिए, मैट लिख लीजिए यहाँ पे, मेघालय, असम, त्रिपुरा, और म से मेघालय, म से मिजोरम भी होता है, तो डबल मैट हो जाएगा, यम डबल मैट हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। ठीक है, संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244, ये भी कई बार पूछा है, 44(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा। यह एक स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों को विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है। स्वायत्त जिला परिषद राज्य के अंदर ऐसे जिले हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य विधानमंडल के अंतर्गत स्वायत्तता अलग अलग रूप में प्रदान की है। 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, किंतु वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण से बाहर नहीं हैं। तो ये रहा आज का तीनों टॉपिक जो दिया गया आपको, टॉपिक जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन सा देश करता है, कौन सी रिपोर्ट बताई गई, सिप्री की रिपोर्ट, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, किसने कितना GDP पे योगदान दिया है, ये सारा का सारा डेटा इम्पोर्टेंट है। और ये एक्चुअली दूसरे स्लाइड पे खोल दिया हूँ तो बड़ा स्लो खोल रहा है आज। ठीक है, तो सारा डेटा आप देख लीजिएगा कि 2010 से 2019 के बीच में कितना हुआ। तो ये दिया है ना यहाँ पे कि 2019 में दिया है ना 71.1 बिलियन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सैन्य खर्च में 2018 की तुलना में भारतीय सैन्य में 6.8% की वृद्धि हुई, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी टॉपिक हम छोड़ते नहीं हैं, हल्के में मत लीजिए हम लोगों को। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण DNA। सभी डेटा को आप लोग तब तक 1 घंटे देखिए और जैसे ही 7 बजेगा क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा और अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, ये संस्थान का नंबर दिया हुआ है, खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है, तो अपनी क्वेरी को इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे संपर्क करके क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी को भी, जैसे रोज कहता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट देना हो या किसी भी स्टेट PCS या UPSC का पेपर देना हो या नोट्स चाहिए या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, ये दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए तब हम आज ये तीनों टॉपिक जो भी है इम्पोर्टेंट, ये तीनों टॉपिक देख लीजिएगा आप लोग। और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जो क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, सभी लोग आंसर दें, गलत सही जो आ रहा है करो, लेकिन 2 आंसर। तब तक 1 घंटे आप वीडियो को देखिए आप लोग, और जैसे ही 8 बजेगा 7 से 8 ओपन रहेगा चैनल, अपने आंसर देने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। और जैसे कि मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो स्टूडेंट आंसर अच्छा देंगे, जो स्टूडेंट को मुझे लगेगा कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको इसका पूरा PDF दूंगा। और PDF पहले मैं देता भी था, लेकिन आप लोगों की वजह से ही, कुछ रोज़ समझाता था आप लोग नहीं समझते थे, तो मैंने PDF देना ही बंद कर दिया है। तो अब PDF भी उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा
उनका परफॉर्मेंस रहेगा तो उनको ही पीडीएफ दिया जाएगा। तो सारा डिटेल जितना भी है एक एक चीज़ कॉपी पे लिखते जाइएगा और पढ़िए, तब तक के लिए आप लोग को दे दिया गया है कि सारा ओजोन चित्र क्या होता है, ओजोन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पे क्या है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली समझौता है, सारा का सारा आप लोग को दे दिया गया है। एक एक लाइन, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद क्या है, कब ख़त्म हुआ, कब शुरुआत हुआ, क्यों लगाने पड़ रहा है वहाँ पे शासन, ठीक है, किन अनुसूची में आता है, कौन कौन से राज्य हैं, किस अनुसूची में हैं, कौन से अनुच्छेद हैं संविधान के, सारा का सारा स्वायत्त जिला है क्या है, जो भी है सब कुछ दे दिया गया है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं और आप लोग 7 बजे के लिए तैयार रहिएगा फाइट के लिए, ठीक है, तभी आप लोग कुछ जगेंगे आप लोग, ठीक। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से 7 बजे, ओके बाय।